वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स के टॉपिक कंजक्टिवाइटिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स का होता है, इसका ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकली एंड नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे करते हैं, और साथ ही साथ इसके रिस्क फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस इज अ इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा। यानी कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो कि कंजक्टाइवा में होता है। तो अब कंजक्टाइवा क्या होता है? तो कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा इज अ क्लियर टिश्यू दैट लिंक्स द इनसाइड सरफेस ऑफ योर आईलिड एंड आउटर कोटिंग ऑफ द आई। तो कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा एक क्लियर टिश्यू है जो कि लाइन करता है इनसाइड सरफेस ऑफ द आईलिड एंड आउटर कोटिंग ऑफ द आई। तो ये जो आईज होती हैं, ह्यूमन की जो आईज है, उसकी जो लिड होती है, आईलिड जिसको हम बोलते हैं, उसको कवर करना और साथ ही साथ आई की आउटर कोटिंग को कवर करने का काम कंजक्टाइवा करता है। तो जब इस कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होगा तो उस कंडीशन को हम कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। तो जैसे कि एक ये ह्यूमन की आई है, तो ह्यूमन की आई में ये दो चीज़ें क्या होती हैं, जो ऊपर और नीचे जो इस आई को कवर करती हैं, इसे हम आईलिड बोलते हैं। तो ऊपर नीचे की जो ये कवर करती हैं आईज को, वो आईलिड हो गई। ये जो लेंस होता है इसको आयरिस बोलते हैं, और यहाँ पे सेंटर में जो पोर्शन होता है इसको प्यूपिल बोलते हैं, और ये जो वाइट पोर्शन जो आपको दिख रहा है विजुअल, इसी में ही एक वाइट कलर का जो वाइट कलर का एक टिश्यू होता है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, जो स्क्लेरा जो होती है, आई की स्क्लेरा होती है, उसको कवर करता है। तो ये क्या है कंजक्टाइवा क्या है? आईलिड, यानी कि ये जो आईलिड है आईज के ऊपर, जो आईज को कवर कर रही हैं उनके ऊपर एक कवरिंग है, और साथ ही साथ ये जो वाइट पोर्शन ऑफ आई का देख रहे हो, इसमें कवरिंग होती है एक वाइट टिश्यू की, उसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो ये जो कंजक्टाइवा है ये क्या करता है? तो ये जो कंजक्टाइवा है इसका काम क्या है? दिस टिश्यू हेल्प कीप योर आईलिड एंड आई बॉल मॉइस्ट। तो जो आपकी आईज, अगर आप कभी भी अपनी आईज को देखेंगे तो आपकी आईज हमेशा वाटर मॉइस्ट होती है, हमेशा उसमें मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ कंजक्टाइवा होता है। तो ये जो कंजक्टाइवा टिश्यू है ये क्या करता है? जो आईज होती हैं उनके बॉल को, आई बॉल्स को और आईलिड को ये मॉइस्ट करने का काम करता है, जिससे कि आपकी आईज हमेशा मॉइस्चराइज रहती हैं। तो ये काम हो गया कंजक्टाइवा का। तो जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। तो अब ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है और किन किन वजह से होता है ये हम आगे देख लेते हैं। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसी को हम पिंक आई बोलते हैं। पिंक आई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें जो आईज होती हैं वो पिंक कलर की हो जाती हैं, तो इसीलिए कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई भी बोलते हैं। और ये जो पिंक आईज होती हैं बेसिकली कहाँ है, क्योंकि ये जो हमने बताया आपको कि जो ये कंजक्टिवा, ये वाइट, जो ये वाइट पोर्शन आपकी आईज का है उसको कवर कर रहा है, तो क्या है ये विजुअली एक पिंक कलर का स्ट्रक्चर अपीयर होगा। जो आपकी आईज होंगी, वो पर्सन की वो आईज जो होंगी वो पिंक कलर की हो जाएंगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन होगा। तो इन्फ्लामेशन का साइन क्या होता है? रेडनेस होता है ना। तो इसलिए जब कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन होगा तो उस एरिया में जहाँ पे कंजक्टाइवा प्रेजेंट होगा वो एरिया रेड हो जाएगा, और उस रेडनेस की वजह से इस डिजीज़ को पिंक आई भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कंजक्टिवाइटिस के बारे में। जैसा कि हमने आपको ये बात बताई कि जो कंजक्टिवाइटिस है इसको हम पिंक आई तो बोले, लेकिन हर केस में जिसमें आईज पिंक हो जाती है वो कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि बट नॉट ऑल रेड आई आर कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि आईज में और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और भी डिजीजेस हो सकती हैं, तो उसमें भी आईज का कलर रेड हो जाता है। तो हर पिंक आई का कारण कंजक्टिवाइटिस नहीं होता है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस में पिंक आई होती है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम देख लेते हैं इसका टाइप्स क्या है। तो कंजक्टिवाइटिस को
बेसिकली उसके कॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कंजक्टिवाइटिस टोटल थ्री टाइप्स का होता है। पहला होता है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा होता है हमारा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और तीसरा होता है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो पहला है हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो वायरल, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन है, तो ये इन्फ्लामेशन किस किस चीज़ों की वजह से होगा उसी के हिसाब से इस टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है। तो अब सबसे पहले वायरल कंजक्टिवाइटिस को देख लेते हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो देखिए, वायरल कंजक्टिवाइटिस मतलब नाम से ही पता चल रहा है, वायरल कंजक्टिवाइटिस का कॉजिटिव एजेंट क्या होगा, वायरस होगा। तो जब कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टाइवा में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो वायरस की वजह से होगा, तो उस तरीके की कंजक्टिवाइटिस को हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। तो वो कौन से वायरस होंगे जिन जो इस कंजक्टिवाइटिस को फॉर्म करेंगे? तो हमारा जो पहला वायरस है वो है एडिनो वायरस। बेसिकली एडिनो वायरस ही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कंजक्टिवाइटिस को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट है हमारा रूबेला वायरस एंड हर्पीस वायरस। तो ये वायरस क्या है, ये वायरस कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं। इसमें से भी जो एडिनो वायरस है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इस वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस को फॉर्म करने में। अब ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है, इसमें जो टाइम होता है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का, ये एक से दो वीक का होता है। तो एक से दो वीक में जब किसी पर्सन को वायरल कंजक्टिवाइटिस होती है तो उसको ये इन्फेक्शन एक से दो वीक तक हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू द वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या हो सकता है, अगर आइज़ के दोनों आइज़ भी एक्सपोज हो सकती हैं या फिर एक ही आइज़ को ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो हो सकता है एक ही आइज़ में हो या फिर दोनों आइज़ में अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो उसकी वजह से ये दोनों आइज़ में भी हो सकता है और एक ही आइज़ में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस का कॉजिटिव फैक्टर। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जब कंजक्टिवाइटिस, जो ये कंजक्टिवाइटिस होती है वो अकॉर्डिंग टू द कॉजिटिव फैक्टर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स अपीयर कराती है। मतलब अगर वायरस की वजह से वो कंजक्टिवाइटिस है तो उसके सिम्टम्स कुछ अलग होंगे, बैक्टीरिया की वजह से है तो उसके सिम्टम्स कुछ और होंगे, और अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसके सिम्टम्स कुछ और होंगे। तो अब हम वायरल टाइप के कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहले, अगर वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में ये जो आइज़ होती हैं वहाँ से वाटरी म्यूकस डिस्चार्ज होगा। तो क्योंकि एरिया जो आइज़ का एरिया है जहाँ पे ये इन्फेक्शन होगा, ये इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ से वाटरी सिक्रीशन निकलना स्टार्ट होगा और ये म्यूकस का प्रोडक्शन उस आइज़ से बढ़ जाएगा। अगर दोनों आइज़ इन्फेक्टेड हैं तो दोनों आइज़ से, अगर एक आई इन्फेक्टेड है तो एक आइज़ से जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगेगा। इसके अलावा आइज़ में बर्निंग सेंसेशन होगी, मतलब आइज़ जलने लगेंगी, ऐसा लगेगा कि आँखों में जलन, जैसे होता है ना आँखों में जलन होती है, तो वो कंडीशन इस चीज़ में डेवलप होगी। इसके अलावा ग्रिटी फीलिंग होगी। ग्रिटी फीलिंग का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रिटी फीलिंग होती है मतलब आँखों में जैसे बोलते हैं ना किरकिरी सी होती है कि लगता है कुछ गड़ रहा है आँखों में, तो वो कंडीशन भी डेवलप होती है वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस में। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस में अपीयर होंगे। तो ये बात हो गई वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस मतलब कि इसका जो कॉजिटिव फैक्टर होगा वो बैक्टीरिया होगा। तो बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस का कॉजिटिव फैक्टर बैक्टीरिया है, और वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो इस टाइप की कंजक्टिवाइटिस को क्रिएट करते हैं? तो जो हमारा पहला बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये अलग बैक्टीरिया है, यहाँ पे एस सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन ये इसका मतलब होता है स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। इसके अलावा नाइजीरिया गोनोरोया, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियल टाइप के कंजक्टिवाइटिस को फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा और भी बैक्टीरियाज होते हैं लेकिन मेनली यही बैक्टीरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को फॉर्म करने के लिए। अब ये जो बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस है ये हाईली कॉन्टाजियस होती है। हाईली कॉन्टाजियस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए
बैक्टीरियल वायरल ये जो इन्फेक्शन है ये क्या है, ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस है ये हाईली कॉन्टाजियस है, मतलब कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली फैलती है। इसके अलावा जो ये बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस है इसके सिम्टम्स अब वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस से कुछ डिफरेंट होंगे। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा वाटरी डिस्चार्ज होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस है तो उस केस में जो सबसे मेन सिम्टम्स अपीयर होगा वो बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस में उसका वो क्या है, म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज। ये जो म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज है बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस के साथ पस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि इसमें येलोइश म्यूकस सिक्रीट होगा और ये जो येलोइश मटेरियल या फिर येलोइश जो म्यूकस निकल रहा है इसमें पस होती है, पस प्लस म्यूकस, तो पस प्लस म्यूकस का सिक्रीशन होता है बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस में, तो जिसको हम बोलते हैं म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज। तो ये जो म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज है ये मेन सिम्टम्स होता है बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस का। इसके अलावा स्टक शट इन मॉर्निंग, तो स्टक शट इन मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब भी आप बचपन में हम लोग जब भी हम ये जो कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है ये काफ़ी आम इन्फेक्शन है, हम सभी को बचपन में कभी ना कभी ये इन्फेक्शन हुआ ही होगा। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, कि जब हमको ये इन्फेक्शन बचपन में होता था तो मॉर्निंग में क्या है, हमारी आईज जो होती थी वो चिपक जाती थी, स्टक हो जाती थी, चिपक जाती थी। और ये चिपकती क्यों थी, क्योंकि जो बैक्टीरियल टाइप का कंजक्टिवाइटिस होता है उसका जो डिस्चार्ज निकल रहा है म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज ये थिक होता था, तो थिक होने की वजह से ये क्या होता था, आइस को चिपका देता था। तो इसलिए ये जो स्ट्रक इन मॉर्निंग, तो स्पेशली ये मॉर्निंग में ही होता है कि हम रात में जब सोते थे सुबह जब उठिए तो आपकी आइस जो होती थी वो चिपक सी जाती थी। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस होता था ये बैक्टीरियल टाइप का कंजक्टिवाइटिस होता था जिसका एक सिम्टम है स्टक शट इन मॉर्निंग, यानी कि आइज जो होती हैं मॉर्निंग में स्टक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं वो, फिर उसको क्या बोलता था, फिर उसको ओपन करने के लिए फिर आपको ईजिली ओपन भी नहीं होती क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो काफ़ी थिक होता है जो कि आइज को चिपका देता था। और ये इस डिस्चार्ज को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इस टाइप की कंजक्टिवाइटिस में जिसमें येलोइश मटेरियल निकलता है, येलोइश म्यूकस का सिक्रेशन होता है, वो बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस होती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने टाइप्स के बारे में, जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, इस कंजक्टिवाइटिस में जो कंजक्टिवाइटिस होगा वो ड्यू टू द एलर्जी होगा। अब एलर्जी मतलब कि अगर किसी पर्सन को क्या है, किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ से, जैसे होता है ना कुछ पर्सन्स को किसी भी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो ये जो कंजक्टिवाइटिस होता है ये क्या है, एलर्जी की वजह से होता है। तो अगर उस एरिया में अगर पर्सन का एक्सपोजर हो जाए जिसमें उसको एलर्जी है तो उस केस में क्या हो, उसकी आईज जो होती है रेड हो जाती हैं और उस केस में उसको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो अब जब एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब देखिए ये जो कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस ये जब किसी भी पर्सन का होगा तो ये बाइलेटरल होगा, यानी दोनों आईज में होगा, क्योंकि जब पर्सन एक्सपोज हो रहा है एलर्जेंस में तो वो क्या है, उसकी तो पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही है, तो उस केस में क्या है, तो उसकी एक आई तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी सिर्फ एक ही आई एक्सपोज होगी, नहीं उसकी दोनों आईज एक्सपोज होंगी। तो ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है इसमें बेसिकली दोनों आईज में इन्फेक्शन होता है, दोनों आईज में इन्फ्लेमेशन होता है। तो अब ये जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है इसलिए क्या है, एयरबॉर्न एलर्जेंस, यानी एयर के थ्रू जो एलर्जेंस आईज में चले जाएं उसकी वजह से ये कंजक्टिवाइटिस होती है, क्योंकि क्या है ये एलर्जी है। तो एलर्जी क्या है, एलर्जी ड्यू टू द एयरबॉर्न, यानी एयर की वजह से आईज में वो एलर्जी जाएगी, तो ये एयरबॉर्न होती है। इसके अलावा इसमें जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं वो रेडनेस होते हैं, रेडनेस है और बाइलेटरल है, बाइलेटरल मतलब वही हमने आपको बताया कि दोनों आईज अफेक्ट होंगी, तो बाइलेटरल है। इसके अलावा वाटरी डिस्चार्ज एंड इचिंग, तो वाटरी डिस्चार्ज जैसा कि ये वायरल में भी था, तो देखिए
तीनों ही कंजक्टिवाइटिस में डिस्चार्ज तो होना ही होना है आइज से, किसी में म्यूकस का डिस्चार्ज है, किसी में वाटरी डिस्चार्ज है, किसी में म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज तो होना ही है, तो ये डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा ईचिंग, अब ईचिंग एक सिम्टम्स होता है एलर्जी का, जब भी हमें किसी चीज़ से एलर्जी होती है जो हमारा पहला सिम्टम होता है वो ईचिंग का ही होता है, तो इसमें भी जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उसमें भी उन पर्सन को जिनको ये इन्फेक्शन होगा उनके आइज में ईचिंग होगी। तो ये तो बात हो गई टाइप्स के बारे में और उनके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ये स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें क्लासिफाई किया है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि किस वायरस बैक्टीरिया या फिर किस एलर्जेंस की वजह से किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं और वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये जो टाइप्स हैं उस टाइप की कंजक्टिवाइटिस हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉमन सिम्टम्स के बारे में जो कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट में अपीयर होते हैं। बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये आइज से रिलेटेड है, तो जो सिम्टम्स अपीयर होंगे वो आइज से रिलेटेड ही होंगे। तो जो हमारा पहला सिम्टम्स है वो है पिंक एंड रेड आई। पिंक एंड रेड आई क्यों है, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन है वो आइज में हो रहा है, आइज की कंजक्टाइवा में हो रहा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होने की वजह से उस एरिया में रेडनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम इसको पिंक आई बोल रहे हैं। तो जो हमारा पहला सिम्टम्स होगा वो होगा पिंक आई। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा, तो ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन है, जैसा कि हमने आपको बताया ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन है। तो इन्फ्लामेशन का साइन क्या होता है, इन्फ्लामेशन का साइन स्वेलिंग होता है ना, तो जब ये इन्फ्लामेशन होगा कंजक्टाइवा में तो उस जगह पे भी स्वेलिंग होगी, तो क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा। इसके अलावा वाटरी डिस्चार्ज, तो वाटरी डिस्चार्ज क्योंकि हमने आपको बताया तीनों ही टाइप्स में क्या है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वाटरी डिस्चार्ज एक कॉमन सिम्टम्स होता है। इसके अलावा बर्निंग, जलन होती है, ईचिंग स्पेशली एलर्जी वाले कंजक्टिवाइटिस में होता है, और इसके अलावा इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन सी होगी। नेक्स्ट हमारा क्रस्टिंग आईलेट स्पेशली इन मॉर्निंग, तो वही है कि जो आईज होती थी स्टक हो जाती थी वो क्या है, स्पेशली मॉर्निंग के केस में वो चीज़ होगी। तो ये तो हो गए बेसिक सिम्टम्स जो किसी भी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट के अंदर अपीयर होते हैं, और स्पेसिफाइड सिम्टम्स हम आपको ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गई सिम्टम्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का इन्फेक्शन है, या तो ये वायरस या तो बैक्टीरिया या तो एलर्जी की वजह से होगा, तो इसका ट्रीटमेंट हम उसके कॉजेटिव एजेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्योंकि हमने आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बता दिया कि हमको कैसे इसको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सिम्टम्स है तो कौन सा टाइप का इन्फेक्शन होगा, तो उसके कंडीशन को देखते हुए ये आइडेंटिफाई करते हुए कि ये कंजक्टिवाइटिस किसकी वजह से हुआ है हम उसको ट्रीट करेंगे। तो जो हमारा पहला ट्रीटमेंट होगा, अब देखिए ये आईज की रिलेटेड चीज़ें हैं तो हम आई में क्या टैबलेट तो खा नहीं सकते, सिरप तो डाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई ड्रॉप या फिर आई ऑइंटमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। आई ऑइंटमेंट अगर आपको याद होगा तो एक बचपन में एक छोटी सी येलो कलर की ट्यूब आती थी कुछ इस तरीके की, आपने देखी हो शायद, तो इसको हम यूज़ करते थे जब हमें कंजक्टिवाइटिस होता था, तो वो क्या था, वो ऑइंटमेंट था, वो उसमें जब आप उसको पील करोगे और उसको जब उसका मटेरियल आप निकालोगे तो वो एक वाइटिश थिक मटेरियल होता था, वो क्या था, ऑइंटमेंट था। इसके अलावा आई ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, तो क्या है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रीटेड विथ ऑप्थैल्मिक आई ड्रॉप एंड ऑप्थैल्मिक आई ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट, तो इसको हम ऑप्थैल्मिक आई ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट से ट्रीट करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं कि जो आइज में इन्फेक्शन है तो हम आइज की एरिया को ही स्पेशली ट्रीट करेंगे। तो ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं और हम ये जो आई ड्रॉप्स होते हैं और ऑइंटमेंट होते हैं, बेसिकली इसमें वो जिस रिलेटेड चीज़ों से बने होंगे, जैसे कि अगर बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट होंगे, वायरल है तो एंटी वायरल होंगे, एलर्जिक हो तो एंटी एलर्जिक होंगे, उस तरीके के ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप्स को यूज़ किया जाएगा। तो हमारा जो पहला है, अगर बैक्टीरियल है, अगर बैक्टीरियल ऑइंटमेंट या फिर आई ड्रॉप्स है तो उसमें ड्रग्स कौन सी होंगी, उसमें हम या तो एरिथ्रोमाइसिन, पॉलीस्पोरिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन तीन ड्रग्स को आप याद रखिए कि इनको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा अगर हमारी जो ड्रग है, अगर हमारी जो वायरल की वजह से हुआ है तो हम एंटीवायरल ड्रग को यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर एलर्जिक की वजह से हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया कि एलर्जी की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस होता है, तो देखो ये जो एलर्जी है,
एलर्जी में क्या होता है, बेसिकली हिस्टामिन का रिलीज होता है, क्योंकि अगर आपने एलर्जी की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो एलर्जी में क्या है, एलर्जी में जब एलर्जी होती है तो उस केस में बॉडी से ये बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा मीडिएटर होता है, हिस्टामिन होता है। तो हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एलर्जी की बात है तो एलर्जी के केस में हिस्टामिन की वजह से ही एलर्जी होती, तो हमें क्या हिस्टामिन के अपोजिट काम करना होगा, तो हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को यूज़ करेंगे। तो इसमें हम इसके अलावा क्या है, हम कीटोटीफेन, सोडियम अलोक्रिल एंड ओलोमाइड, इन सभी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट हम कैसे कर रहे हैं, ट्रीटमेंट हम इस बिहाफ पे कर रहे हैं कि अगर बैक्टीरियल है तो अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस तो हम एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट एंड ड्रॉप दे रहे हैं, अगर वायरल है तो एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल ऑइंटमेंट एंड ड्रॉप दे रहे हैं, अगर एलर्जिक है तो एलर्जिक में हम हिस्टामिन को सप्रेस करने वाली चीज़ें दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट को करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो नॉन फार्माकोलॉजिकली हम कैसे ट्रीट करेंगे कंजक्टिवाइटिस को, तो देखिए ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर एलर्जी की वजह से हो रहा है। तो एलर्जी की जो हमारी, अगर हम बात करें एलर्जी टाइप की कंजक्टिवाइटिस के बारे में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो पर्सन जिनको ये एलर्जी हुई है और उस एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुई है, उनको उस एरिया से सेपरेट किया जाए जहाँ से, जिसकी वजह से उनको वो एलर्जी हुई है। इसके अलावा हम और कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि एलर्जी क्या है, एलर्जी उस अगर एरिया में अगर उसको एलर्जी है, उस चीज़ से एलर्जी, अगर वो उससे एक्सपोज होगा तभी उसको वो एलर्जी वाली कंजक्टिवाइटिस होगी। तो बेटर क्या है, आप उसको उस एरिया से सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया एलर्जी के केस में। और अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उस केस में हमें हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो एलर्जी टाइप की कंजक्टिवाइटिस होती है, बेसिकली ये कंटेजियस नहीं होती है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी। क्यों, क्योंकि अगर एक पर्सन को कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जी वाली कंजक्टिवाइटिस, तो जरूरी थोड़ी कि दूसरे पर्सन को एलर्जी वाली कंजक्टिवाइटिस होगी, तो उसको छूने से उसको नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं, वो एंटीजन उसके लिए वो एटमॉस्फियर था, वो एयरबॉर्न जिसकी वजह से उसको वो इन्फेक्शन हुआ वो था। तो एलर्जिक टाइप की कंजक्टिवाइटिस जो होती है वो कॉन्टाजियस नहीं होती, तो इसमें हमें कोई प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, पर्सन को आप सेपरेट कर सकते हो, बट अदर पर्सन को उस पर्सन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर इन केस अगर ये कंजक्टिवाइटिस वायरल और बैक्टीरियल है, तो अगर वायरल है बैक्टीरियल है तो ये चीज़ें क्या है, स्प्रेड हो सकती हैं। तो ये जो स्प्रेड होता है, ये जो कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड होता है, बेसिकली ये जो वाइट आपने ये देखा, तीनों ही कंजक्टिवाइटिस में वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये जो वाटरी डिस्चार्ज होता है बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करने में। तो अगर किसी भी पर्सन को मान लीजिए वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो उसने क्या किया, अपनी आँखों से वो वाटरी जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको पोंछ दिया, और फिर वो किसी और पर्सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसका वो हैंड आ गया। तो इस तरीके से क्या है, उस वाटरी डिस्चार्ज का जितने लोगों से उसका कॉन्टैक्ट होगा उनको वो कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। सेम ही केस बैक्टीरियल टाइप की कंजक्टिवाइटिस में है कि अगर इचिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, तो आदमी क्या करता है, अपने आईज़ को थोड़ा सा रब करने लगता है, तो उस केस में वो जो मटेरियल होगा, जो डिस्चार्ज निकल रहा है, वो हैंड में लगेगा। तो वो क्या है, अगर वो किसी और दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा तो अदर पर्सन भी उससे इन्फेक्टेड होंगे। तो इस केस में क्या है, इस केस में जब हमें बैक्टीरियल या फिर वायरल टाइप की कंजक्टिवाइटिस का इन्फ्लामेशन होगा, तो उस केस में पर्सन को हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अगर आइस को टच करे तो बार बार हैंड वॉश करे, अपनी जो पिलोज़ हैं जहाँ पे वो सो रहा है उस, क्योंकि वो आइस से निकल रहा है डिस्चार्ज, तो वो डिस्चार्ज पिलो पे भी जा सकता है, तो पिलो को प्रॉपर क्लीन करे, हैंड वॉश करे टाइम टू टाइम। तो क्या है, वॉशिंग हैंड, कीपिंग आई क्लीन, मतलब आइस को क्लीन करते रहें, जिससे कि क्या है, वो वाइट डिस्चार्ज जो वाटरी मटेरियल निकल रहा है वो जब आप क्लीन करते रहोगे तो आप उसको इधर उधर नहीं, वो पर्सन इधर उधर नहीं पहुँचेगा, तो आइस को क्लीन करते रहें। इसके अलावा वॉश पिलो, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि आइस से वो डिस्चार्ज पिलो पे जा सकता है, तो पिलोज़ को भी क्लीन किया जाए। इसके अलावा डोंट टच एंड रब योर आइस, मतलब वो पर्सन जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आइस को ज़्यादा टच ना करें, क्योंकि जितना ही वो टच करेंगे पहली बात तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे, जितना वो टच करेंगे वो डिस्चार्ज उनके हाथों में लगेगा, वो एक दूसरे से को फैल, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी भी पर्सन को कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन होता है तो अक्सर वो ब्लैक गॉगल्स यूज़ करते हैं, बेसिकली उसको
जो ब्लैक गॉगल्स यूज़ किया जाता है, बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो उनका उनकी आइज़ में उनका कॉन्टैक्ट बार बार ना हो। जो अगर आइज़ में कॉन्टैक्ट बार बार नहीं होगा तो क्या होगा, वो उनके हाथों में वो चीज़ आएगी नहीं, जब आएगी नहीं तो वो दूसरे को स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द प्रिकॉशन पर्पस पर्सन जिनको ये इन्फेक्शन होगा, कोशिश करें कि वो स्पेक्स को यूज़ करें, जिससे कि वो उनका इन्फेक्शन बार बार किस वो अपने हाथों को बार बार रब ना करें और उससे दूसरे को ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। तो ये जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बेसिकली ये प्रिवेंशन में भी आप इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके का प्रिवेंशन भी है, और इसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से हम कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं और नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।